एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस जिगजैग हेयर बैंड की मदद से कितने हेयर स्टाइल बनते हैं, आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, थंबनेल पे आपने देख ही लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस जिगजैग हेयर बैंड की मदद से हेयर स्टाइल शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यू और यूनिक वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सिलाई कोर्स चैनल पे जरूर जाइएगा, सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी चैनल पे, वहाँ पे अमेजिंग आपको सिलाई कोर्स से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। फर्स्ट हेयर स्टाइल आपका बहुत ही ईजी है, आई थिंक आप लोगों ने बनाया भी होगा। इस तरीके से देना है और ये साइड से जो पोर्शन है इसको दबाते हुए इसको लेके जाना है, नहीं तो हमारा साइड वाला जो निशान होता है जिगजैग वाला वो नहीं बनता है। पूरा दबाते हुए इस तरीके से बनाना है। ये देखिए कितना इजीली बहुत ही अच्छे से हमारा साइड से भी निकल गया है हेयर स्टाइल। और सिंपली ऐसे छोड़ देना है। ये हम लोग जब छोटे थे तब आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा, साइड से मैंने लेयर्स भी निकाल लिए। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। ओके, तो इसके साथ आप चाहो तो पोनी भी बना सकते हो। तो इसी के साथ मैं सेकेंड हेयर स्टाइल बता देती हूँ। हाई पोनी बनाइएगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप चाहो तो पहले पोनी बना के उसके बाद भी हेयर बैंड लगा सकते हो। ओके, और थोड़ा सा हेयर लेके रबर बैंड को हाइड कर दीजिएगा और यहाँ पे एक क्लिप की मदद से इसको यूपिन से या फिर बॉबी क्लिप जो भी है आपके पास उसकी मदद से इसको अच्छे से हेयर को यहाँ पे क्लिप लगा दीजिएगा ताकि हेयर आपका खुल ना जाए बाद में। ओके, और ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में अगर आपके बैंग्स कटे हुए हैं, छोटे बड़े लेयर्स कटे हुए हैं, तो साइड की मांग ले लीजिए और इस तरीके से अपने लेयर्स निकाल लीजिए। जितने भी निकालने हैं, मान लीजिए इतने निकालने हैं आपको, तो इतने हमने निकाल लिए, थोड़ा कम लीजिएगा। उसके बाद से सारे हेयर्स को पीछे की तरफ कॉम करेंगे। ओके, और डैश स्ट्रेट हेयर बैंड लेंगे। जहाँ पे आपकी मांग निकली है वहाँ पे रख देंगे हेयर बैंड को और इसको बैक साइड में इस तरीके से लेके जाएंगे। और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। वाओ, तो जिगजैग हेयर बैंड की मदद से ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। इसके साथ ही आप जिगजैग हेयर बैंड के साथ एक और चौथा हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसी तरीके से रहने दीजिए बालों को इसी तरीके से रहने दीजिए और साइड से थोड़ा सा इस तरीके से हेयर को उठा लेंगे, हेयर बैंड के पीछे से थोड़ा सा कॉम कर लेंगे और यहाँ पे एक रबड़ लगा देंगे। रबर बैंड को हाइड कर दीजिए क्योंकि रबर बैंड अच्छी नहीं लगती है पोनी टेल्स वगैरह में। ओके, और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया जिगजैग हेयर बैंड के साथ।
चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवे हेयर स्टाइल में आपको करनी है बीच से मांग निकालनी है बालों की, और इस तरीके से अपने लेयर्स को ले लेना है। ओके, दोनों साइड से इसको ट्विस्ट करके यहीं पे सेट कर देना है ताकि आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना आए। उसके बाद सारे बालों को बैक की तरफ कॉम कर लेना है, पीछे की तरफ। ओके, कॉम करने के बाद से फिर से अगेन आपको हेयर बैंड लगाना है साइड से, इस तरीके से साइड से ऐसे दबाते हुए इसको दोनों साइड से। ओके, ताकि हमारा इस साइड का हेयर स्टाइल बिल्कुल भी बिगड़े ना। उसके बाद से यहाँ पे भी दबा लोगे और चारों तरफ से हेयर बैंड को दबाते हुए पीछे की तरफ खींच के ले जाएंगे और फिर आगे की तरफ ले आएंगे और इसको ओपन कर देंगे अपने लेयर्स को। आप चाहो तो ऐसे भी ओपन रख सकते हो और चाहो तो इसको बैक साइड में ले जाके ईयर के पीछे पिन लगा दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया। ओके, तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। छठे हेयर स्टाइल में आपको सारे बालों को हाई पोनी बना लेनी है। एकदम अपने क्राउन एरिया पे ये हेयर स्टाइल विदाउट जिगजैग हेयर बैंड के भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है कि ये वाले हेयर स्टाइल में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और सारे काम आराम से हो जाते हैं और बाल हमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। इसलिए अभी हम लोग रबर बैंड को टाइटली लगाना है, लूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद क्या करना है, अपने जो आपने हेयर लिए हुए हैं, और हाँ, हेयर फॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मैम हेयर फॉल के लिए कुछ बताइए। तो गाइज, ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे या फिर जहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। आप ग्लिसरीन ले लीजिए शैम्पू में, जब भी आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू में दो ढक्कन ग्लिसरीन डाल के या दो चम्मच उसको मिक्स करके और फिर अपने बालों में लगाइए। एक मिनट तक ऐसे मसाज कीजिए, उसके बाद से वॉश कर लीजिए, धीरे धीरे आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारी टिप्स मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हुई हैं हेयर फॉल के लिए, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद अपने सारे हेयर्स को सिंपली इस तरीके से रखना है, वाह, और यू पिन से इसको सेट कर देना है। इस तरीके से सेट कीजिएगा कि आपका बन थोड़ा अच्छा सा दिखे, और ज़्यादा ऊंचा लग रहा है तो सिंपली आप इस तरीके से ट्विस्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, और यहाँ पे रबड़ बैंड के बाकी बचे हेयर्स को रबड़ बैंड के चारों तरफ लपेट के ऐसे रख दीजिए। और ये वाला इजी भी है और इजीली बन जाता है। टू यू पिन्स या फिर थ्री यू पिन्स आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। दो यू पिन्स की मदद से भी मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल शेयर किए थे कल परसों में, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे तीन या चार यू पिन्स लगा दे रही हूँ ताकि मेरा बन खुल ना जाए, क्योंकि मैं अब यही बन रखने वाली हूँ, मेरा लास्ट सिक्स हेयर स्टाइल। ओके, उसके बाद से अपने लेयर्स को निकाल देंगे। आप ऐसे भी रख सकते हो बट मुझे जिगजैग की मदद से बताना है, जिगजैग हेयर बैंड की मदद से। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग हेयर बैंड लिया है, देन अच्छे से चिपकाते हुए पूरे स्कैल्प पे टच होनी चाहिए आपकी हेयर बैंड, देन इसको इस तरीके से पीछे की तरफ लेके जाना है और फिर आगे की तरफ हल्का सा पुल कर लेना है। और ये हमारा छठा और आखिरी हेयर स्टाइल है जो कि बहुत कम्फर्टेबल रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। तो आप ट्राई कीजिएगा हेयर स्टाइल, और आपको मेरे हेयर स्टाइल बताने का तरीका कैसा लगता है और मेरे बनाए हुए हेयर स्टाइल कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरीके की यूनिक हेयर बैंड्स अलग अलग टाइप्स की वीडियोज़ देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।